आज की जो रेसिपी है गारंटी है सबको पसंद आएगी। ठंडे ठंडे श्रीखंड सभी को पसंद आते हैं, तो आज की जो रेसिपी है ये है श्रीखंड से बने हुए शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो इस शरबत को बनाने से पहले मैं श्रीखंड भी बनाना आपको बताऊंगी दो फ्लेवर में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए इसे बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट पल्लवी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी। तो इस श्रीखंड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है गाढ़ी दही। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब 1.5 लीटर दूध का गाढ़ा दही जमा कर रख लिया है। इसे मैं एक सूती कपड़े में डालकर थोड़ा सा लटका कर रख दूंगी करीब 5 से 6 घंटे के लिए, जिससे कि इसका पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा और फिर हमें एकदम गाढ़ा दही मिल जाएगा, जिसे हम कर्ड भी कहते हैं। और इसी को यूज़ करके श्रीखंड बनाया जाता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त होते हैं। तो श्रीखंड बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप गाढ़ा दही ले लिया है और उसके बाद ये इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पिसी हुई चीनी। तो बराबर मात्रा में यहाँ पिसी हुई चीनी डालनी है, इससे परफेक्ट मिठास आएगी। दही भी जो खट्टी ना हो वैसा यूज़ करें, नहीं तो फिर श्रीखंड का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है श्रीखंड में। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता मैंने डाल दिए हैं। इलायची का पाउडर डाल दिया है, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से इनको इस तरीके से फेंटते हुए मिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। फिर यहाँ पर थोड़े से केसर के दूध को डाल दूँगी। तो थोड़े से केसर के धागे मैंने गर्म दूध में भिगो कर रखे थे, तो उसका पूरा फ्लेवर और कलर यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा कलर ब्राइट करने के लिए डाल दूँगी कुछ बूंदे सैफरन फूड कलर, यानी कि जो केसर फूड कलर होता है उसे, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखें कि चीनी की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने, अच्छे तरीके से फेंटते हुए इनको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जब मैंने दही जमाई तभी उसे छान कर जमाया था, तो इससे उसमें मलाई नहीं जमती है और हमारा जो श्रीखंड बनता है एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला बनता है, बिल्कुल भी उसमें गुठलियाँ नहीं होती। बस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें, इस बात का ध्यान दें, नहीं तो श्रीखंड बनाते समय उसे एक बार छानना पड़ता है, जिससे कि अगर कोई लम्स हो तो वो निकल जाए। लेकिन अगर आपने दही अच्छे से जमाई है बिना फैट अलग किए, तो एकदम परफेक्ट श्रीखंड तैयार होगा। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो श्रीखंड, जिसके लिए फिर से 1 कप मैंने हंकड़ लिया है, उसमें 1 कप मैंने चीनी डाल दी है पिसी हुई और 1/3 कप के बराबर यहाँ पर मैंने डाल दिया है आम का पल्प। तो आम को पीस कर उसका मैंने पल्प छान कर ले लिया है, जिससे कि रेशे जो थोड़े बहुत होते हैं वो अलग हो जाएं। और यहाँ पर मैं हापुस आम यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से फेंटते हुए मिक्स करना है। फ्लेवर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यहाँ पर केसर भिगोया हुआ दूध डाल दूंगी, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो मैंगो श्रीखंड है ये तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से फेंट लें, आप चाहें तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने सैफरन फूड कलर डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए आम और थोड़े से नट्स यानी कि बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो तरीके से श्रीखंड बनाना बताया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त होते हैं। आप एक बार इसे बना लेंगे तो मार्केट से श्रीखंड लाना भूल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ श्रीखंड से ही बनने वाले शरबत की रेसिपी। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को इस ड्रिंक का नाम पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अब मैंने लिया हुआ है 1 कप के बराबर दही। ये देखिए यहाँ पर गाढ़ी दही मैंने यहाँ यूज़ की है, इसे एक ब्लेंडर में डाल दूंगी। इसी के साथ डाल दूंगी 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं श्रीखंड के डाल दूंगी, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर ड्रिंक। तो 2 से 3 टेबलस्पून इस श्रीखंड को डाल देना है। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दूंगी, थोड़े से केसर के दूध को डाल दूंगी, कलर को एनहांस करने के लिए यहाँ पर केसर फूड कलर डाल दूंगी और साथ ही साथ डाल दूंगी थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंगो ड्रिंक बनके तैयार हुआ है श्रीखंड से, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए श्रीखंड का ही यूज़ किया जाता है, तभी वो परफेक्ट फ्लेवर आएगा। सिर्फ दही से
और आम से ये ड्रिंक नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए आम और ड्राई फ्रूट से मैंने गार्निश कर लिया। चलिए अब बनाते हैं दूसरा ड्रिंक, जिसके लिए फिर से मैंने एक कप दही लिया हुआ है। यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर केसर श्रीखंड और साथ ही साथ इलायची पाउडर। यहाँ पर पिसी हुई चीनी मैंने डाल दी है, साथ ही साथ केसर जो दूध बनाकर मैंने रखा था उसे डाल दूंगी, जिससे कि फ्लेवर थोड़ा सा एनहांस हो जाए। और थोड़ा सा सैफरन फूड कलर और बर्फ़ के टुकड़े डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ता से मैंने गार्निश कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा केसर फ्लेवर का पीयूष शरबत बनके तैयार हो गया है। जी फ्रेंड्स, इसे महाराष्ट्र में पीयूष के नाम से जाना जाता है, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हिट है। तो आज मैंने आपको एक ही वीडियो में श्रीखंड की रेसिपी बताई है और साथ ही साथ श्रीखंड से बनने वाले पीयूष शरबत की रेसिपी बताई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।